बॉलीवुड के एक और चमकते सितारे का अंत हो गया है। जी हाँ, एक साल पहले 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत जैसे चमकते सितारे का निधन हो गया था और अब 2 सितंबर 2021 को अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता बने थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हुआ है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बीती रात मुंबई में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। दवा लेने के बाद वो सोने चले गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इसके बाद सुबह उठाया गया तो वो बेहोशी की हालत में मिले। तत्काल कपूर अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। उन्होंने 2008 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अपने अभिनय की बदौलत ख्याति हासिल की थी। उन्होंने बालिका वधू सीरियल में शानदार काम किया था। उनकी फिटनेस को देखते हुए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार में उनकी दो बड़ी बहनें हैं। सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहते थे। अभिनय की दुनिया में उन्हें आसानी से सफलता नहीं मिली, बल्कि 2008 से 2012 तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। टेलीविजन शो बाबुल का अंगना छूटे ना में मुख्य भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। बाद में वह जाने पहचाने से ये अजनबी और लव यू जिंदगी जैसे शो में दिखाई दिए, लेकिन बालिका वधू के साथ एक घरेलू नाम बन गए थे सिद्धार्थ शुक्ला। झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया था। 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला ने करण जौहर द्वारा निर्मित हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतृप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।